हेलो दोस्तों, मैं सागर कुमार आप सभी का एसएससी के एग्जाम बाबा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी मॉडर्न हिस्ट्री का जो है सीरीज चल रहा है, इस क्रम में हम लोग आज 1920 ईस्वी से लेकर के 1928 ईस्वी तक के महत्वपूर्ण घटना के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि इस समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी भारत के स्वर्णिम इतिहास में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जिस पर लेक्चर वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है। यानी 1923 ईस्वी तक के महत्वपूर्ण घटना का जो है वीडियो और पीडीएफ उपलब्ध है। यदि आप चाहते हैं कि उस महत्वपूर्ण घटना का पीडीएफ प्राप्त हो, तो इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उससे जुड़ जाएं और वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चरण था, उसको हम लोग जो है थोड़ा सा रिविज़न कर लें। 1920 ईस्वी में M.N. जोशी, जोसेफ लेफिस्ट तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। क्वेश्चन पूछता है, इसे शॉर्ट में हम लोग अटैक बोलते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1920 ईस्वी में। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो है प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय एवं प्रथम सचिव दीवान चमन लाल थे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन थे, तो दीवान चमन लाल थे। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा, बहुत भी क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की समाप्ति हुई। क्यों समाप्ति हुई, तो चोरा चोरी कांड के कारण गांधी जी ने इसको वापस ले लिया, और उसी समय जो क्या है उसके कुछ समय के बाद जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 साल के लिए उन्हें कारावास की सजा दी जाती है। लेकिन बीच में ही जब 1924 ईस्वी में गांधी जी का जो है स्वास्थ्य खराब हो जाता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो उन्हें जेल से रिहा कर दी जाती है। ठीक है, 1923 ईस्वी में जो है स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। स्पेशल स्वराज पार्टी के गठन की जो पृष्ठभूमि थी उसके बारे में जो है वीडियो बनाया गया है, आप उसको जरूर देखें, क्योंकि देखने के बाद आपको यह महसूस होगा कि हम जो पहले से जानते थे वह संपूर्ण जानकारी नहीं रखते थे, लेकिन जब वीडियो एक बार देख लीजिएगा तो अंदर से यह फील होगा कि नहीं, अब मैं स्वराज पार्टी के पृष्ठभूमि क्यों गठन हुआ, 1923 ईस्वी में ही काहे हुआ, क्या लाभ था, उसके उद्देश्य के बारे में, इस सब के बारे में हम लोग लिख सकते हैं। अब आते हैं 1925 ईस्वी की घटना के बारे में, उससे पहले जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण। जैसे देखिए 1924 ईस्वी में जो है क्रांतिकारी युवकों का एक अधिवेशन होता है कानपुर। ध्यान देंगे, जब असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो जाती है उसके बाद फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो एक क्रांतिकारी दौर से गुजरते हैं। यानी उस समय एक, चूँकि गांधी जी तो जेल में रहते हैं, उसके बाद गांधी जी निकलते भी हैं तो वे रचनात्मक कार्यों पर विशेष जोर देते हैं, इसलिए उस समय के जो युवा वर्ग थे वो एक क्रांतिकारी हो गए और क्रांति में ही विश्वास करने लगे। तो क्रांतिकारी जो युवा थे उनका एक अधिवेशन होता है कानपुर में, किसके सहयोग से, तो राम प्रसाद बिस्मल, योगेश चंद्र चटर्जी एवं सचिंद्रनाथ सन्याल इत्यादि अन्य जो क्रांतिकारी युवक जो है वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, और इन सभी के सहयोग से जो है 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे शॉर्ट में HRA बोला जाता है। क्वेश्चन पूछे कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो 1924 ईस्वी में। कहीं कहीं पर लिखता है कि इसकी स्थापना किसने की, तो सचिंद्रनाथ सन्याल। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर बहुत लोगों का सहयोग था इसलिए कोई एक नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी ऑप्शन के अनुसार हम लोग जो है लगा सकते हैं सचिंद्रनाथ सन्याल। इतना याद रखेगा, HRA की स्थापना कब हुई, तो 1924 ईस्वी में। अब आते हैं 1925। चूँकि यहाँ पर जो क्रांतिकारी थे, HRA के सदस्य थे, उनका एक ही उद्देश्य था कि अब जो है क्रांतिकारी के मान क्रांति के द्वारा ही स्वतंत्रता को प्राप्त की जा सकती है, गणतंत्र की स्थापना किया जा सकता है। 1925 ईस्वी जो है मुख्य रूप से जाना जाता है काकोरी कांड के वजह से। 1925 ईस्वी मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है, तो काकोरी कांड के लिए। काकोरी कांड क्या हुआ था, आइए हम लोग जानते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सबसे प्रमुख कार्य जो है
काकोरी डकैती था, यानी काकोरी डकैती को जो है उसमें प्रमुख कारण में गिना जाता है। क्यों हुआ डकैती, देखिए ध्यान देंगे, 9 अगस्त 1925 को जो HRA के एसोसिएशन के जो सदस्य थे उन्होंने क्या किया, सहारनपुर लखनऊ लाइन पर, यानी सहारनपुर लखनऊ जो लाइन था, रेलवे लाइन था, वहाँ पर 8 डाउन रेलगाड़ी को काकोरी नामक गांव में रोक कर, ध्यान नहीं है गलती लिए, रोक करके रेल विभाग के खजानों को लूट लिया। यानी वहाँ पर रेल से जो है खजाना जा रहा था उसको लूटा गया ताकि यहाँ पर जो है पैसा इकट्ठा किया जाए, दौलत इकट्ठा किया जाए, ताकि बारूद गोला बंदूक ये सब खरीदा जा सके। अब जब लूट लिया गया खजाना तो सरकार अत्यंत क्रुद्ध हो गई, यानी सरकार सोची कि भाई यह रेल का खजाना क्यों लूटा, आतंकवादियों ने क्यों हमला किया, और वह क्रुद्ध होकर के वहाँ पर जो अनेक आतंकवादियों का गिरफ्तारी करती है और उन पर का कोरी षड्यंत्र का जो है मुकदमा चलाया जाता है। राम प्रसाद बिस्मल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहड़ी तथा रोहन सिंह को फांसी दे दी गई। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किन्हें फांसी दी गई, तो राम प्रसाद बिस्मल, अशफाक खान, राजेंद्र लाहड़ी, रोशन सिंह। अशफाक उल्ला खां शायद प्रथम ऐसे मुसलमान थे जो फांसी के तस्के पर उसमें लटके हुए थे, और 4 को आजीवन कारावास की सज़ा देकर के अंडमान भेज दिया गया, जिसमें सचिंद्रनाथ सन्याल भी थे। तो क्वेश्चन जैसे पूछ दी कि निम्न में से किसे फांसी नहीं दी गई, निम्न में से किसे फांसी नहीं दी गई काकोरी षड्यंत्र केस के तहत, और ऑप्शन दे दे कि राम प्रसाद बिस्मल, अशफाक उल्ला खां और सचिंद्रनाथ सन्याल, तो कौन आंसर होगा, सचिंद्रनाथ सन्याल होगा। और 17 अन्य लोगों को जो है सज़ा सुनाई गई, लंबी सज़ा सुनाई गई। राम प्रसाद बिस्मल यह कहते हुए कि मैं राज की पतन की इच्छा करता हूँ और फांसी पर लटक गए, तो क्वेश्चन पूछे कि किनका कथन है, मैं राज के पतन की इच्छा करता हूँ, तो राम प्रसाद बिस्मल। चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए, और काकोरी षड्यंत्र के अंदर जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वहाँ से क्या हो गए, वह फरार हो गए। अब आते हैं 1926 ईस्वी की महत्वपूर्ण घटना। तो 1926 ईस्वी में स्त्रियों ने स्वयं को अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित की। तो क्वेश्चन पूछे कि अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई, तो 1926 ईस्वी में। अब आते हैं नवंबर 1927 ईस्वी, ध्यान देंगे 1929 ईस्वी में जो एक्ट आया था उसके द्वारा यह बनाया गया था कि 10 साल के बाद पुनः 1929 ईस्वी के एक्ट को जो है जांचा जाएगा कि किसके द्वारा भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी, भारत उस समय की जो शासन व्यवस्था थी, जो संवैधानिक थी, वो किस चरण तक है, क्या इनको सत्ता सौंपी जा सकती है कि नहीं, यह सब जो है क्या करना, जाँच करना था। लेकिन चूँकि 1929 से 10 वर्षों को जोड़ा जाए तो 1929 ईस्वी हुआ, उस समय एक आयोग का गठन करना चाहिए जाँच समिति का, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार सोचती है कि कहीं लेबर पार्टी की सरकार न उस समय आ जाए, यह सब विभिन्न मुद्दा को लेकर के 1927 ईस्वी में, यानी 2 वर्ष पहले ही जो क्या किया जाता है, एक भारतीय विधि आयोग का जो है गठन किया जाता है, और इसके अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, तो सर जॉन साइमन, तथा इसके जो भी सदस्य, यानी सभी जो 7 सदस्य है, वो 7 सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, 7 सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। क्वेश्चन पूछे कि साइमन कमीशन, ध्यान देंगे अब चूँकि इसके अध्यक्ष कौन थे, साइमन कमीशन थे, इसलिए कालांतर में इसे क्या साइमन आयोग के नाम से ही जाना जाने लगा। यानी इसका अगर क्वेश्चन पूछे कि भारतीय विधि आयोग का गठन कब हुआ, तो 1927 ईस्वी में, अब इसके अध्यक्ष कौन थे, तो साइमन थे, इसलिए इसे क्या साइमन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो साइमन आयोग का गठन कब हुआ, 1927 ईस्वी में। इसमें कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे, और 7 सदस्य कौन थे, अंग्रेज थे, एक भी सदस्य क्या थे, भारतीय नहीं थे। इसलिए भारतीय यह सोचे कि भाई जब सारा लोग सदस्य उसमें का जो क्या है अंग्रेज ही है, तो क्या इसका अर्थ है कि वो हमें निकम्मा समझते हैं, वो यह नहीं समझते कि भारतीय लोग भी जो है क्या है होशियार है, या भारत के लोग के सदस्य के पास भी यह जो है क्या है नेतृत्व करने की क्षमता है, या कामयाबी है, या उनके पास हौसला है, उनके पास यह ताकत है, उनके पास नेतृत्व करता है जो भारत की शासन व्यवस्था को संभाल सकती है। इसलिए भारत के लोग जो काफ़ी क्रोध हो गए कि भाई भारत की जो रक्षा व्यवस्था, भारत की शासन व्यवस्था जो और भारत के बारे में अंग्रेज सोचेंगे, यह संभव नहीं है। 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, एम ए अंसारी थे, उन्होंने जो साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया, यानी मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया।
साइमन कमीशन का जो बहिष्कार न करने वाले भी कुछ लोग दल थे, जैसे जस्टिस पार्टी, पंजाब यूनिस्ट पार्टी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन दल जो है साइमन कमीशन का सपोर्ट किया था, यानी विरोध नहीं किया था, तो कौन था? जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनिस्ट पार्टी। 3 फरवरी 1928 को, ध्यान नहीं है गलती लिखा है, मुंबई पहुंचे, यानी साइमन आयोग क्या हुआ 1928 में मुंबई। देखिए यहाँ पर इस ट्यूनिक को समझना है कि 27 में गठन हुआ लेकिन भारत को पहुंचा 1928 ईस्वी में। जब भारत पहुंचा तो उस दिन पूरी मुंबई में हड़ताल का आयोजन किया गया, काले झंडे के साथ साइमन कमीशन का जो है स्वागत किया गया और वहाँ पर कहा गया कि गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। चारों तरफ जो है लोग बहिष्कार करने लगे, युवा वर्ग में और क्रोध का जो है माहौल आ गया। जहाँ जहाँ आयोग गया वहाँ वहाँ पर जो है क्या हुआ, उनका विरोध किया गया, हड़ताल का आयोजन किया गया और साइमन गो बैक नारा लगाया गया। लखनऊ में खली जुमा तथा मद्रास में टी प्रकाशम ने अनोखे अंदाज में आयोग का विरोध किया और जो है पुलिस भी क्रोध से यह इस समय के वातावरण को देखकर जो है क्रूर नीति अपनाई, लोगों पर खूब लाठियां बरसाई और बड़े बड़े नेता को भी नहीं बख्शा। इसी समय जवाहरलाल नेहरू तथा जीवी पंत को भी लखनऊ में बुरी तरह से पीटा गया, यानी उन पर भी लाठी बरसाया गया। लाहौर में जो पुलिस कप्तान था सैंडर्स था, उन्होंने वहाँ पर जो है जो युवा क्रांतिकारी के नेतृत्वकर्ता थे कर रहे थे वो लाला लाजपत राय थे, यानी लाहौर में जो है लाला लाजपत राय का युवा क्रांतिकारी का नेतृत्व कर रहे थे। तो सैंडर्स ने वहाँ पर जो है आज्ञा दिया कि लाठियाँ जो है वहाँ पर भी बरसाई जाए और इसी लाठियों का संघातिक प्रहार किए गए जिसके कारण जो है बुरी तरह से जख्मी हुए कौन, लाला लाजपत राय, और नवंबर 1928 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। लाठी के कारण, मार के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है और मरने से पूर्व लाला लाजपत राय का यह कथन ऐतिहासिक सिद्ध हुआ कि मेरे ऊपर जो लाठी का प्रहार किए गए हैं वहीं एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की आखिरी किल साबित होगा। तो क्वेश्चन पूछता भी है दोस्तों कि मेरे ऊपर जो लाठी के प्रहार किए गए हैं वहीं एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की आखिरी किल साबित होगी, किसका कथन है? तो लाला लाजपत राय का। अब जब लाला लाजपत राय की लाठी के मार के कारण मृत्यु हो जाती है तो और युवा वर्ग जो है क्या होते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं। ध्यान देंगे HRA की स्थापना हुआ था कब, 1924 ईस्वी में। विभिकृत क्रांतिकारी युवा का संगठन था, धीरे 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 28 तक आते आते क्या हुआ था, वह समाप्त हो गया था। क्यों? क्योंकि काकोरी कांड के तहत अनेक नेताओं को गिरफ्तार करके जो है किसी को फांसी दे दिया गया, किसी को आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई और उसी समय चंद्रशेखर आज़ाद क्या हो गए थे, फरार हो गए थे, नहीं पकड़े गए थे, जिंदा थे। वे हुए और भी युवा क्रांतिकारी के जो है नेतृत्व में फिरोज शाह कोटला में जो क्या होता है, एक आयोजन होता है, एक अधिवेशन होता है, वहीं पर भगत सिंह के नेतृत्व में जो है 1928 ईस्वी में जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई, यानी HRA का नाम बदल करके HSRA कर दिया गया। और यह भी क्या था, क्रांतिकारी ही संगठन था और HSRA के 3 प्रमुख सदस्य भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु ने लाला लाजपत राय के मौत के लिए सैंडर्स को दोषी मानते हुए 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सैंडर्स की हत्या कर दी। शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को ही जाना जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे विद्यार्थीगण, आज इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे, यहीं तक चर्चा करेंगे। आगे की प्रमुख घटना को जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर आऊँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जुड़ जाए ताकि आपको जो है इसका PDF प्राप्त हो जाए।